हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आप सभी से निवेदन है कि मेरा ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अंत तक ये वीडियो आप देखो तो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम किस तरीके से पॉलिनोमियल के सम को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में समझेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पर आपको उसका एक फॉर्मूला जो होता है वो समझा रहा हूँ मैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द रिलेशन अमॉन्ग द डिवाइडेंड, डिवीज़र, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो किस तरीके से डिवाइडेंड, डिवीज़र, क्वेश्चन और रिमाइंडर में रिलेशन होता है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने 29 लिखा है जो डिवाइडेंड है और उसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 6 की टेबल में 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फोरजा होता है 24। तो आपको 4 जो मिला वो मिला क्वेश्चन, और दूसरा नीचे जो 5 है माइनस करने पे आया वो आपका है रिमाइंडर। इस तरीके से इसका जो रिप्रेजेंट है वो हम इसको लिख सकते हैं 29 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5। यहाँ पर जो 29 है वो आपका डिवाइडेंड है, 6 जो है वो आपका डिवीज़र है, मल्टीप्लाई में जो 4 किया हुआ है वो आपका क्वेश्चन्ट है, और प्लस में जो 5 लिखा हुआ है वो रिमाइंडर है। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट मैंने जो आपके सामने रखा इसको कहा जाता है रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो इसके रिलेटेड यहाँ पर इस एक्सरसाइज में एक सम भी है, वो भी हम सीखेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि ऑब्टेन ऑल ज़ीरो ऑफ 3x प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x⁵। इसके हमको सारे जीरो ढूंढने हैं। कब? जब हमको इसमें से 2 जीरो दिए हुए हैं, मतलब x के 2 जीरो दिए हुए हैं। ऑलरेडी यहाँ पर डिग्री 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि x के 4 आंसर आएंगे, उसमें से 2 हमको गिवन है, बाकी के 2 फाइंड करने। उसको फाइंड करने के लिए पहले इस 2 जीरो का यूज करेंगे। ये एक प्लस में और एक माइनस में कैसे आया? ये एक प्लस में और एक माइनस में ऐसे आया, जब एक बार ये प्लस में था और एक बार ये माइनस में था तभी तो आया। अब ये फैक्टर हो गया आपका, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब इसको डिविजर की फॉर्म में यूज करके इसमें डिवाइड करना है। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 5/3, और इसको आपको डिवाइड करना है इसमें 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x⁵। अब हमने जो प्रोसेस जो अच्छे से हमको आती है हम सीख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो x की 2 पावर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 3 उसका कोफिशियंट है। तो 3x² में इस x² का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x⁴। इस 3x² में इस 5/3 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप रफ में करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब -5 में x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 5x². अब आपको पता है क्या करना है, साइन को चेंज करना है। जैसे ही साइन चेंज करोगे ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो अब ऊपर से बचा आपका 6x³, माइनस का 2 और प्लस का 5, मतलब बचा प्लस का 3, और ऊपर से आपने लिखा माइनस का 10x। इस तरीके से हाईएस्ट पावर ऑफ x नेक्स्ट 3 है, यहाँ पर 2 है, तो आपका आएगा प्लस का 6x। इस 6x का मल्टीप्लाई इस x² के साथ होगा तो 6x³ हो जाएगा। इस 6x का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा, माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई बाय 6x, 3 2 जा, तो 5 2 जा कितना हो गया 10x, जो यहाँ पर आएगा। फिर अगेन साइन चेंज कर दीजिएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट, ये भी प्लस माइनस कट, तो क्या बचा ऊपर से 3x² माइनस का 5। अब
आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं, उसके आगे कोफिशियंट है प्लस का 3, उसको यूज कीजिएगा। इस 3 में इसका मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर, 3 में इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 5। तो साइन वापस चेंज कर दीजिएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, रिमाइंडर क्या आया 0। अब आपको ये जो क्वेश्चन मिला है उसको हम यूज करेंगे और इसके हम 0 ढूंढेंगे। इसको 0 ढूंढने के लिए आपको पता है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, प्लस करने पर 6 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर बताइए, ऐसे दो फैक्टर होते हैं 3 3, उन दोनों को प्लस कीजिएगा 6 होता है, 3 3 9 होता है, तो ये फैक्टर हो गया आपका 3x 3x 3 0। ये दो दो की जोड़ी बनाइएगा, इसमें से आपका 3x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 एक फैक्टर है और 3x प्लस 3 भी एक फैक्टर है, तो इसमें से आपका x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो भी आपकी माइनस 1। तो इस तरीके से हमने ऑब्टेन ऑल 0, मतलब इसके सभी 0 ढूंढ लिए, 2 तो पहले ही 0 उसने ढूंढ के दिए थे, बाकी 2 0 ये रहे, दोनों की वैल्यू -1 -1। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो रिमाइंडर थ्योरम जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाया था उससे रिलेटेड है, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम को याद रखना है। वो रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, ठीक है, जी ऑफ एक्स इंटू आर क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि डिवाइड करने पर, मतलब ये आपका डिवाइड हो गया, मतलब ये एक्स क्यूब हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, x हो गया, 2 हो गया, आपको g ऑफ x ढूंढना है, उसको एज इट इज लिख दिया। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये रहा क्वेश्चन x माइनस 2 प्लस r ऑफ x भी दिया हुआ है, माइनस का 2x प्लस का 4। ओके, अब यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको इधर ले आओ, प्लस का 2x माइनस का 4 और ये बचा आपका एज इट इज। इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2x हो गया प्लस का 3x प्लस का 2 माइनस का 4 आपका हो गया माइनस का 2, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। अब आगे बढ़ते हैं, x माइनस 2 इसमें डिवाइड में भेजना है, तो आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कि x माइनस 2 में इसको डिवाइड करोगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोसेस आ गया वापस, x की हाईएस्ट पावर है 3, x की हाईएस्ट पावर है 1, मतलब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, कीजिएगा क्या होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स 2x स्क्वायर, आपको क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ऊपर से क्या लिखा, प्लस का 3x। आगे बढ़िए, माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, मतलब यहाँ पे माइनस x आएगा, उस माइनस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, साइन चेंज कर दो, यहाँ पर ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, 3x में से x माइनस करो तो क्या आता है, x आता है और ऊपर से क्या लिखा, माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, कितनी बार जाएगा, वन जा, तो ये हो गया आपका x माइनस 2, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस। सो इस तरीके से आप रिमाइंडर जो थ्योरम है उससे रिलेटेड अगर कोई सम आता है तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सम ऑफ 0 ढूंढा, प्रोडक्ट ऑफ 0 ढूंढा, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ग्राफ से हमने 0 ढूंढा, डिवाइड करके भी 0 ढूंढा, तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर सारे सम हमारे खत्म होते हैं। सो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर फिनिश होता है। तो अगर आपको ये मेरा ये वीडियो और ये मेरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, तो मेरा ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।